नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का शेयर 30 अप्रैल को 54 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात की जाए तो यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 को हुई थी, यानी कि 5 साल पहले, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए, जो यह प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वे कंज्यूमर बैंकिंग, होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन्स, माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। यह दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा बैंक है, काफी बड़ा बैंक है। 339.13 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों इसका स्टॉक प्राइस आने वाले समय में काफी ऊपर जा सकता है। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं किस तरीके से इसने ग्रोथ की है। और दोस्तों अभी बजट में बैड बैंक के गठन की घोषणा की गई है, स्थापना की दोस्तों, के हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा बैड बैंक के गठन के स्थापना की घोषणा की गई है। तो जो भी बैड लोन्स और जो भी एनपी होंगे अब IDFC फर्स्ट बैंक के, वो उस बैड बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मार्केट प्राइस पे। तो आने वाला समय दोस्तों उसका काफी अच्छा रहने वाला है। और इसके दोस्तों जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो भी उसमें भी दोस्तों काफी उछाल आया, लोगों ने बहुत सारे अकाउंट इसमें खुलवाए हैं। और आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों अभी इसका Q4 रेजल्ट आने वाला है। Q4 रेजल्ट की दोस्तों इसकी डेट आ चुकी है। IDFC फर्स्ट बैंक का दोस्तों Q4 रेजल्ट 8 मई 2021 को है। और बहुत ही अच्छा Q4 रेजल्ट आने की उम्मीद है। इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने की उम्मीद है। और अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो ये डिविडेंड भी दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। अभी इसका प्राइस 54.80 रुपए है। आप लोग देख सकते हैं कि इसने हाई लगाया है 83.40 रुपए का 2016 में। तो यहाँ पे आप लोग अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए, इसकी जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 3 से 4 सालों में यह स्टॉक 151 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका जो नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा है, काफी ब्रांचेज हैं और इसके काफी ATMs हैं, जो कि भारत के जो भी जितने भी राज्य हैं उसमें इसका नेटवर्क भी फैला हुआ है। और ये काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग यहाँ चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।